सुन लो सब जिन प्रेम की ओर नहीं प्रप आयो प्रभु प्रेम दी आसर प्राप्त होंगा है। इतों तक कोई दुश्मन भी दुश्मनी त्याग के प्रेम का रस्ता त्याग कर ले तो उसमें भी प्राप्ति हो सकती है, मगर अकिरत करने वास्ते कोई था नहीं। भाई गुरदास जी फरमाते हैं सारे कोई अकिरत कण मंदी हो मंदे वो आपका मंदे हैं वो जिस धरती से वादे ने उस भी मंदी कर दिया करते हैं। तो मेरा मतलब कहने तो अकिरत कण सुन तो बुरा मनिया जाता है। उस समय के बाई दास के राजे उत्ते ये फतवा पूरी तरह करता है। गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत के बारे निरपक्ष इतिहासकार साहब मानते हैं कि हजूर की शहादत का बदला ही हिंदू धर्म कायम रहा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी फरमाते हैं सिरक जन्यू राखा प्रभ ताकर साहब उन्होंने हिंदुओं का सिरक से जनेऊ रखा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी तलवार उठाई है तो धर्म की रक्षा वास्ते। सैयद भुले शाह मुसलमान फकीर कसूर के रहने वाले बड़ी दलेरी नाल कहते हैं ना कहूं कब की ना कहूं तब की बात कहूं मैं अब की अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी। मगर दुख की गल है गुरु महाराज जी ने सब तो पहलियां लड़ाइया इन्हें हिंदू राजा के खिलाफ ही लड़िया पुरदेव ने सिखी का टंडोरा दिता तो भाईदार के राजे भी आए मगर तरह बच्च शर्त चाहते हैं सौदा चाहते हैं। उन्हें मुतालबा रखा सच्चे पातशाह अभी सारे हजूर के सिख बनने वास्ते तैयार हाँ पर सारिया दो शर्त लाजमी हैं। एक तो कि आप क्षत्रियों और पंडितों ही सिख बनाओगे बाकियों नहीं। दूसरी शर्त हजूर के सिख बन के भी अभी जनेऊ भी पहन सकी चिलकी भी लगा सकीए और मूर्ति पूजा भी कर सकीए। हजूर ने जवाब दिता नहीं निरंकार का पुजारी रहा है बाकी मान की जा सके एक है पहचान वो ये विदकार नहीं किया जा सकता। इस गल से नाराज हो गए हैं हिंदू राजे तो नाराज भी दुश्मनी वास्ते भी तैयार हो गए। अफसोस नाल कहना पैंदा है कि धर्म रखिक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सब तो पहलियां लड़ाइया हिंदू राजा के बरखिलाफ ही लड़निया पे जिनी बार हिंदू राजे मैदान में आए गुरु महाराज जी तो शिकस्त खा के मुड़े तो अपने दिल का गुस्सा कढ़ने वास्ते औरंगजेब के जाप के सामने फरियादी होए। इंसान कई बार किन्ना गिर जाया करता है। औरंगजेब जिदे उपनाल हजारा मंदिर चाहे गए उन्हें तो मस्जिद खड़िया कर दी गई और लखा हिंदू दरबार के जोर नाल मुसलमान बनाए गए। यह रवायत चलती है कि औरंगजेब ने एक दिन के अंदर सवा मन जनेऊ उतारे सन तो उसे औरंगजेब के दरबार में पहुंच के सिर चुका के घर पले पा के हाथ जोड़ के हिंदू राजे फरियाद कर रहे हैं अन्नदाता गुरु गोबिंद सिंह के टाकरे थे कई बार गए हैं कि हर बार अभी हार के मुड़े हैं। गुरु गोबिंद सिंह फौजा तैयार कर रहे हैं बागियां के सड़े लुटेरिया के इकट्ठे से वो चाहता है मुगलों के तख्त उड़ दिता जाए। समय सिर कोई बंदोबस्त ना किया गया तो मुगलों के तख्त की खैर नहीं। इसलिए गल सुनी ये सीने में कीने की अग मुद्दत तो भड़क रही थी। औरंगजेब आलमगीर तू के तलवार तरके मैदान में अपने जनरल मंगा के क्यों कहता वा
ਕਈ ਭਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੁਛਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਦਰ ਪਗਾਂ ਸਜਾਈ ਖੁਦਾ ਪੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਮਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਗੋਡਿਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਤੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨਮੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨੀਵੀ ਪਾ ਲਵੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਜਾਏ ਇਸ ਮਰਦਾਊ ਕੁਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਸੀਨਾ ਚਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖੈਰ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਈ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈਏ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ
शहनशाह सलामत हुक्म हो इस बंदा नाचीज नू सिख हिंदुआ का पीर की हजारा उदे वर्गे मेरी तलवार के सामने चुप चुके सिखते पे करे जो उन्हें गिरफ्तार करके हजूर ने पेश कर सकता। बादशाह बड़ा खुश होया, बड़ा कीमती खिलत बख्शे है ते वादा किया सैद खान जे गुरु गोबिंद सिंह जी नू तू गिरफ्तार करके लै आवे या मैदान विच उसका सिर उतार ले आवे मुंह मंगे इनाम और जगीना बख्शियां जाणगियां। इस हौसले विच आने वाले लाड़े उत्ते बेअंत फौजां नाल लेके चोण भी योधे नाल लेके सैद खान आनंदपुर साहब से चढ़ाई कर देंदे। चलदा चलदा रस्ते विखे सडौरे पहुंचिया, दिल विच ख्याल आया रिश्ते विच मेरी वड्डी भैण बीबी नसीर हां खुदा दी बंदगी वाली इत्थे रहिंदी। चलदा चलदा भैण नूं नमस्कार कर चलना, उहदे मूंह कोई आशीर्वाद होगी मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये बीबी नसीर हां कौन है भाई? पंघाणी दे युद्ध विच शाह बदरुद्दीन आम सिख जी नूं नबुद्दू शाह कहिंदे सने गुरदेव की सेवा में हाजिर होए हैं। उन्होंने नाल 700 मरीद गया है, चार साहबजादे हैं उन्होंने, दो भरा हैं गुरदेव की सेवा करते हैं, लगभग 300 मरीद, एक भरा दो पुत्र शहीद हो गए हैं। गुरदेव ने रीझ के चलो पाओ बख्शिया है सैयद बुद्धू शाह जी को। ये बीबी नसीर हाँ उसे सैयद बुद्धू शाह जी की धर्म पत्नी है। जिसले आया तो अरदास की भैन जी हो मैं आनंदपुर से चढ़ाई करके चलिया है, आशीर्वाद दियो मैं अपने काम ही सफल होव। जिसले भैन के कना आवाज पई जिस गुरु दियां खुशियां मैं अपने पुत्र कुरबान करके प्राप्त कीतियां हैं उसे दे मुकाबले ते मेरा वीर जा रहा है, भैन का दिल भर आया, अखां च पानी आ गया, अखां विच डलकन वाली ये पानी की बूंद हकीकत है की चीज भाई? कुछ सतरा अर्थ है ने जो बलबला उठो बार बानू चर दिमाग के तलते बह जाता फिर वो अग्न ना उठे भी टिकन दें दी पानी हो अखां बल्ले बह जाता दिली असरता मांग ना नैन छड़न ना चिमनी अटकया रह जाता जिमें कोई प्यारे का आन सुन के बुआ कोल दली ते बह जाता जिमें किसी के मिलने लिए और के कोई किसी गल तो अज के रह जाता जिमें पौन रच के तुरल तुपका किसी फुल से मन के बह जाता मोती तुपया किसी की दाऊनी का केसा बिच ही उलझा रह जाता शीतल किसी के बिरों का सार सारा हंजू एक मलूपड़ा सह जाता। चेते रखो खालसा जी ये पानी की बूंद तकनी होवे उस सुहागन दी अखां विच तको किसी सिर का सुहाग जन्ना नाल बज के ज्यौदा सड़ गया पर गुरुद्वारे आधार करा गया। जे पानी की बूंद तकनी है उस भैन दी अखां विच तको जिहदा वीर छातियां उपरती गड्डियां दे इंजन गुजार गया है पर लोगों नूं दस गया है कि शांतमई किसनू कहा जांदा है। यही पानी की बूंद तकनी है बीबी नसीरां दी अखां विच तको जिहदे दो नौ निहाल खून विच इशनान कीते गुरु नानक देव महाराज की गोदी विच बराजे होए हैं। मेरा अफसोस सैद खान नूं कुदरत ने वह दिल नहीं सी बख्शिया जिहड़ा इन्हां हंजुआं की बोली समझ लैंदा है। दिल विच सोचदा है कि भैन के पुत्र शहीद हो गए सन इस वास्ते इहदा दिल चकाने नहीं तो मैं इहदियां गल्लां ते परवाह क्यों करा। कौमी विचारा अगे वधदा है ममता की मारी भैन बाह फड़ के अटका लैंदी है कहती है मेरे वीर आनंदपुर जाण रोकदी नहीं जम जम जा हजार बार जा पर यह गल चेते रखे उथे जाना है तो नीवा होके जा ताकि कुछ बराबर कर सके उथे हंकार आ जाएगा सो मारे आ जाएगा। एक पासों बीबी नसीर हां ज्ञान दियां गल्लां कह के अपने भरा नूं प्रेर दिए गुरदेव के चरणा वाले दूजे पासे हंकारी सैद खान अगो मूंह तोर में जवाब दे रहे किवें बाल सुनिया नसीरा सैद खान चलिया वीरवारा भैनिया मल्लिया भैन समझाउंदी वीर सरदार नूं छिड़के गिणन रब्बी अवतार नूं सैद खान अगो बोल के सुणाउंदा भैन नूं पिछा छिड़का हटाउंदा कहिंदा हुण तेग नाम मेराने पावांगा हिंदुआं दा पीर बन के विआवांगा वीर वे उठावी ना देखी गिणे गलां सुत्तियां जगावी ना ਦੇਖੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਦਿਲ ਕਾਨੂੰ ਚੋਬਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇਗਾ ਮਾਰ
ਬਨ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਸੂਰਮਾ ਜਮਾਨ ਵੇਖ ਤੇਰਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਊਗਾ ਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੁਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀ ਕੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਧੂੜ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੀ ਉਡਾਵਾਂਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਰੱਬੀ ਨੂਰੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ ਚਾਨ ਵੇ ਫਲ ਨੀ ਚਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਿਹਾਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਕ ਮਰਵਾ ਲੈ ਲਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਮਾਵਾਂਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਜਹਾਨ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਛੱਡ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਕਾਵੀ ਨਾ ਜੰਗ ਵੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੀ ਨਾ ਸੀਤਲਾ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮਮਤਾ ਮਾਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਟਕਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਜ਼ਮੀਨੇ ਚਮਨ ਗੁਲ ਖਿਲਾ ਦੀਆ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਦਲਤਾ ਰੰਗ ਆਸਮਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਨਾ ਗੋਰੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾ ਹੈ ਕਬਰੇ ਦਾਰਾ ਮਿਟੇ ਨਾਮੀਓ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਕਿਡੇ ਕਿਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਬਾਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਭਾਈ ਆਹ
के मोर्चे मर रहे। भाईदार दे हिंदू राजे अपनिया फौजा लह के उसके नाल आ गए। गुरदेव पास सिखा ने बेनती की, सचे पातशाह दुश्मन चढ़ के आ गए, हुक्म होवे अचनचेत रात उस पर हमला कर दिता जाए। गुरुदेव ने कहा, सिखो रोज पढ़ते तहे हो, ना को बैरी ना बेगाना, सगल संग हमको बने आई, फिर तुम दुश्मन कौन नजर आ गया है? गुरुदेव कि सैद खान भी दुश्मन नहीं। हजूर कहते ने, नहीं साडा वैर किसी की जात नाल नहीं, असी ये तलवार कहते वार करने वास्ते नहीं, सगो दुश्मन का वार रोकने वास्ते कहती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन में मैं सिद्ध करने का यतन किया है कि गुरुदेव लड़ाई पसंद नहीं, अमन पसंद है। जब भी उन्होंने टाकरा किया है, जब दुश्मन ने हमला किया है, तद मुकाबला किया है, या किसी कमजोर की मदद वास्ते। यहूदिया के धार्मिक ग्रंथ में एक आयत आती है, कहते हैं जरवान नमाने से धक्का करे तो ताकतवर कोल बह के चुप करके देखता रहे, वो छोटे शैतान के बराबर है। शब्द बड़े कौड़े हैं, मगर असलियत है ना कि बराबर का ताकतवर है। जरमाने कमजोर से धक्का करद वेख के जो खामोश रहा है तो उसको शह नहीं देता, जो तेरी मर्जी है कर, तेन रोकने वाला कोई नहीं। कबीर जी ने सिद्धांत दिता सी, संता मानो दूता डानो ये कोटवारी मेरी, पर इसे अमर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने किया है। दातार ने कहा, भाई पहला हमला नहीं करना, पर जो दुश्मन हमला करेगा फिर खालसा तैयार पर तैयार है। फिर तो उड़ीक हो रही है, पर सैद खान जो आया ऐसे इरादे नाल है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज को गिरफ्तार करके बादशाह को इनाम रहे हैं, चढ़ते सूरज मार के नगाए जोग अपन फौजा लेके आनंदपुर साहब से ताला बोल दिता है। कह
ताला बोल देता है। टिका पुछया सजे पाशा उनकी हुक्म है। हजूर कहने अब जोजन को दाओ। सही अर्था में गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मरी हुई कौम नवी जिंदगी दे दी सी और मरण हारे जीर राही ये यकीन करा देता सी। एक साही आउंदी है, एक माई हजूर के चरणा में पहुंची, हाथ जोड़ के कहन लगे सचे पातशाह मेरा एको एक बच्चा बीमार पे है, उसे रामद करो। हजूर कहन लगे माता जी ये तो अपने बच्चे की लंबी उम्र चाहती है, जिंदगी चाहती है। कहीं नहीं सचे पातशाह, मेरी बेनती यह है पंगाणी के मैदान में मेरा पति हजूर के चरणा में लड़के शहीदी प्राप्त कर गए, मेरा बड़ा लड़का मैदान के युद्ध में शहीद होए। मेरी बेनती है मेरा एको एक छोटा बच्चा है ये बीमारी नाल मंजे ते पै के ना मरे, हजूर के किसी मैदान में लड़के शहीदी प्राप्त करे। तो यह चा पैदा कर दिता सी गुरुदेव ने कि मरण हारे जीए रटाई, मरण मनुष्य सोहरिया हक है। इस इरादे नाल जे कर रहे ने तैयारी, मामा अपने बच्चियां नूं, भैणां अपने वीरां नूं और देवियां अपने सुहागां नूं किस चाल नाल विद्या कर रही हैं सुनो भाई। Thank you.
एक जगह कहता है गुरु तेग बहादुर महाराज शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज मुसलमान के दुश्मन बन गए। यह सोचनी उसकी गलत है। गुरु गोबिंद सिंह मुसलमान के दुश्मन नहीं, किसी होर जाति के दुश्मन नहीं, केवल जालम के दुश्मन हैं। मैं पिछे मिसाल दे आया हाँ, धार्मिक आगू हैं मुसलमान के सैयद बुद्धू शाह जी, वह गुरुदेव की सेवा च अपने पुत्रां की शहीदी दे दे। मुसलमान के दुश्मन किवें होए? इत्थे ही बस नहीं, वो 500 पठान जो बुद्धू शाह जी ने रखवाए सन, 400 राजिया को रिश्वत लेके उन्होंने जा मिले, पर काले खान अपने 100 सिपाही सने सदा महाराज जी के चरणों में रहे है और आगरदम सेवा निभाई है। इत्थे ही बस नहीं, ये सैयद खान के मुकाबले से भी एदा जोटीदार सयाद बेग है, कदे दोवें औरंगजेब की नौकरी करया करते सन, दोवें दोस्त सन, इको जी बराबर के पौधे। एक बार आलिफ खान और सयाद बेग गुरुदेव से लड़न वास्ते आए, दिल में ख्याल आया सुनदिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ईश्वर का भेजा होया एक नबी है रसूल है, ये सचमुच ऐसा है सामने दीदार देवे मेरा भुलेखा दूर हो जाए। छेड़िया कोड़ा गुरुदेव ने ते सामने आए सयाद बेग दे, सयाद बेग हिंदुआ का पीर तेरे सामने खलोता है, ये निर्वैर भी है और निर्भय भी है, हुण तू फैसला करना है तू कि रास्ता अख्तियार करना है। मन मोह आ गया, हजूर के चरणों से ढह पिया सयाद बेग, जन छो के कहता सचे पातशाह हुण मैं सच पछाता है, आग्या दो अपने सिपाहियां सने धर्म के वैरियां मुकाबले से लड़न। आलिफ खान ने किस वे वेख्या कि सयाद बेग भी गुरु महाराज मिले चले आ गया है, एक फट खा के मैदान चो नस गया है। सयाद बेग उस तो पिछों गुरुदेव के चरणों में रहे है, जो लेके आ गया महाराज सैयद खान ने मुकाबले से जाना चाहना, छिड़ के कोड़ा पहुंचा मैदान में, खलो के सैयद खान के सामने मंगाल के उसने यूं कहता है
ਕਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਬੇਬੀ ਬੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਤਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਮਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਢ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋਈ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਯਾਦ ਖਾਨ ਬੋਲੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰੇ ਆਗਮਾਨ ਦਾ ਅੱਗੀ ਰਤ ਡੋਲਣ ਕੇਰਾ ਆਖਦਾ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਇਮਾਨ ਦਾ ਮਾਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਏ ਹੋਈ ਟਾਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਦੀਨ ਗੁਆਏ ਹੋਈ ਟਾਬਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕਮਲਿਆ ਬੋਲਿਆ ਸਯਾਦ ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਜਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹਿਲ ਖਾਂ ਵੇਖੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਇਓ ਚੜ ਕਲਗੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਰ ਕੇ ਆਫਤ ਗੱਲ ਪਾਈਓ ਸੁੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਪੜ ਲੈ ਛੱਡਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਾ ਆਪ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨਾ ਆ ਕਮਲਿਆ ਕਲਗੀ ਲੜਕੇ ਆਏ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੀਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਜਾਣਾ ਆਏ ਉਹਦੇ ਜੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਨੀ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਡਿਆਏ ਹੋਈ ਕਾਫਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਦੀਨ ਗੁਆਏ ਹੋਈ ਕਾਫਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕਮਲਿਆ ਕਲਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹਰੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦਰ ਕਰਤਾਰ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੀ ਖੋਣਾ ਉਹਦਾ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਉਸਦੇ ਹੈਨ ਪਾਣੀ ਹਾਰ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਲੇਗਾ ਕੌਣ ਮੂਰਖਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਾ ਆਖ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨਾ ਆਖ ਕਮਲਿਆ ਕੌਣ ਕੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਏ ਬਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਧੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਏ ਹੋਈ ਟਾਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਦੀਨ ਗੁਆਏ ਹੋਈ ਟਾਬਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕਮਲਿਆ ਅੱਲਾ ਹੈ ਰਾਸ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣੇ ਫੜਬਾ ਸੈਲ ਖਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੱਥਾ ਕੁਝ ਨੀ ਖੱਟਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਤਲ ਜੀ ਸਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਕਸਵਾਰ ਨੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨੂਰੀ ਨੈਣਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਾ ਆਖ ਸਮਝਿਆ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨਾ ਆਖ ਕਮਲਿਆ ਸਾਰਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੀ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਯੋਧ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੁਕੈਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੈਦ ਖਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਰਦਾ ਭਰਿਆ ਰੂਹ ਦਾ ਸੈਦ ਖਾਂ ਬੋਲਿਆ ਦੁਆ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗ ਵਰਸਾ ਐਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪੀਰ ਜੀ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਗ ਉਠਾ ਉਹਲੇ ਵਾਂਗ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਹਾ ਓਪਰੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਡੁਗੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਸਮੇਕ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਉੱਠੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿਓ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਨੇ ਦਿਓ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਬ ਕਹਿਲਾ ਅਰਸ਼ ਕੰਮ ਦਾ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤੇਗ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਮਾਂ ਜੀਰੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਬੰਨੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਹਮੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਗਏ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲੇ ਨੇ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਦੁਆ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਣ ਉੱਤਰ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਛੇੜਿਆ ਘੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਨ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਪਰਖਣੇ ਹਨ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਸੁਣੀ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਉੱਠੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੋਕ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
जे कावड़ है तो संसार में रब का नूर भी होए कोई नहीं, कितने चेहरे से इतना जलाल है, नैना में कितनी मस्ती है, आवाज में कितनी मिठास है, उसके दिल में बख्शिश कितनी होएगी, चरण पकड़ लेना सारे गुनाह माफ कर देगा। मन थोड़ा जा चुके हैं पर अहंकार ने फिर अंदरों आवाज दी थी, कहते देखो सैयद खान तू गुरु के चरणा से चुग भी गयो, किसे ये नहीं मनना कि गुरु जी अदमत वेख के चरणा से चुगे, बाकी जनैल तेन ताने दया करे कि घर बैठा फोकियां फड़ा मारदा सी, सूरमा बनता सी, जब कि योधे के टाकरे से गया उसकी तलवार की तार नहीं लिया सके, गिड़िया वाग के चरणा से डह पे, इस गिड़ीपने तो मरना पाप नहीं, तैयार हो हथियार उठा वार कर, ये निशाने लग गया पौ बार दुनिया मनेगी, जे जिस गुरु गोबिंद सिंह का नाम सुन के संसार थरथर कंबदा सी उसनू सैयद खान ने जित लिया, ते जे किस्मत हार ही दे गई है यह जे बली दे हथों मरना भी पाप नहीं, बैसा के दरवाजे खुल जाएंगे। कौमे ने फिर उभारिया है अंदरों फिर बुद्धि ने आवाज दी, नर्मता ही आई कहती वो सैयद खान अल्लाह के सामने हथियार उठाएगा, जरा कि मन चुके है हंकार ने फिर अंदरों चोट लाई, कहता छोड़ो अल्लाह कितने वेखे है तो अपनी किस्मत मजमा के दिखा दे, फिर बहुत मुश्किल समा हुंदा है जब इंसान दुराहे ते खलोता होवे, एक पासा नेकी दा है एक पासा बदी दा है, एक पासे तुर पिया इंसान तो देवता बन गया जिन मानस से देवते की है, जे दूजे पासे तुर पिया शैतान बन जाएगा, दोई पासे सोच रहा है ते अखीर जित किसदी है, जे सदा धर्म की होया कर दी है नेकी भी होया कर दी है। Thank you.
हथियार सर दिते हैं सामने हजूर के चरणा ते आके चुके दातार ने सिर से तरिया हाथ से देखा सैद खान जरा उच्चा हो भाई आवाज दे भाई बोल सतनाम श्री वाहिगुरु एक बार वाहिगुरु किया है लूनो बिच वाहिगुरु रच गया है नेत्र तके हाथ फरके ते बोल रहा है सैद खान बेनतियां कर रहा है कहता दातार कौन है तू देवता नूरी है जा इंसान है खाक दे पुतले च खेडा खेडदा भगवान है कि गुरु आखा नबी आखा रसूल अल्लाह कहा चाहता है दिल खाक चरना तेरिया भी हो रहा चरण चुमा खाक मस्तक दे लगावा दिल सरे मेरिया नैना चमारदारो सदा अल्लाह करे तू खुदा है जे नहीं तो फिर खुदा दा यार है सदगुरु तो कुछ भी होवे पर मेरी सरकार है। हजूर ने सिर ते हाथ करके कहा सैद खान तेरे मते तो फकीरी लिखी सी चुराए केड़े पै गया है हथियार त्याग देते हैं वर्दी उतार देती है फकीरा वाला पेश तार के अल्लाह का जोर कर दे बाकी भी उम्र गुजार देती है बहुयो मंदिर साच कहो सुन लिहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। वाहिगुरु जी।